वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, हर बच्चे को नेक तौफीक नेक हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग में ज़बरदस्ती दम बुख्त मटन रेसिपी लेके आए हैं। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा बन के रेडी होता है ये। सबसे पहले मैं मटन ले ली, तकरीबन 1 किलो मटन है, हड्डी के साथ है, देखिए हड्डी भी है, बगैर हड्डी का भी है इसमें, और चिकना है। तकरीबन इसमें अपन 1.25 किलो के इतना करीब चिकना डालेंगे। सबसे पहले अपन ये चिकना रखेंगे नीचे, ताकि अपन ऊपर ये आलू वगैरह रखे तो ऐसा ख़राब ना होना। नीचे चिकना रखेंगे, पूरा चिकना है ये, अच्छी तरह से चिकना में पूरा अच्छा डाल दी, देखिए पूरा अच्छा फैला फैला के डाली चिकने को ये। चलिए इसके ऊपर अपन गोश्त ऐड करेंगे, हड्डी भी है, बगैर हड्डी का भी गोश्त है इसमें। दम बुख्त बहुत मज़े का बन के रेडी होता है ये, मटन का रहता है ये, बहुत मज़े का बन के रेडी होता है, और बाहर के कई मुल्कों में ये बहुत बनाते हैं ये। ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी को आप। चलिए इसके बाद अपन आलू रखेंगे, बगैर छिलका निकाले के आलू रखी मैं, देख सकते हैं। टमाटर रखेंगे, पूरा साबित टमाटर है ये। प्याज बड़ी बड़ी थी तो 1 में से 2 पीसेस कर ली मैं प्याज के, अगर आपके पास छोटे छोटे प्याज है तो पूरे एक एक भी रख सकते हैं आप। चलिए एक लहसुन है ये, लहसुन का पूरा एक है। हरी मिर्ची डाल देंगे अपन, सब साबित रखने का रहता है इसमें, बाकी का गोश्त बचा से रख लेंगे। इसके ऊपर ऐसा डाल देंगे, ये चिकना भी डाल देंगे बाकी का। इसमें तेल वे कुछ भी नहीं डलता, मसाले नहीं डलते इसमें, तेल नहीं डलता, तेल नहीं मसाले नहीं, खाली नमक से बनता ही है। नींबू डाल देंगे ऊपर से, चलिए बाकी के छिलके ऐसा फेंकना नहीं, ये भी रखेंगे, बहुत अच्छा इसका भी टेस्ट अच्छा आता। नमक डालेंगे, अच्छी तरह से चौतरफ से फैला के डालेंगे। साबित काली मिर्ची डालेंगे, आपके हिसाब से डालिए, बहुत जने नहीं डालते काली मिर्ची, मगर क्या है काली मिर्ची से टेस्ट अच्छा था। ये अदरक के टुकड़े हैं, देखिए साबित है, मेरे पास खाली अदरक छील ली थी मैं, अदरक के पीसेस को भी तकरीबन 2 से 3 रखेंगे अपन। चलिए साथ ही आधा मक पानी डालेंगे, तकरीबन ये आधा मक पानी है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि ये दम पे मीडियम आंच पे ही दम होता है ये। चलिए इसका ढक्कन लगा देंगे, नमक भी डाल दिए अपन, सभी चीज़ें डाल के रेडी कर लिए। चलिए साइडों से ये मेरे पास आटा है, आटे को मैं पहले से भिगा ली थी, इसका ऐसा लंबा करके ऐसे साइडों से इसको, ताकि कहीं से भी इसका ये धुआँ नहीं जाना, बहुत उससे बहुत एहतियात से पकाना रहता है ये, ज़रा भी धुआं नहीं निकलना इसका। और जब तक मीडियम आंच पे बनेंगे अब दम बुख्त उतना अच्छा होता है ये बन के। चारों तरफ से पूरा अच्छा उकड़ना है ये, जरी भी इसमें से भाप नहीं निकलना। चलिए अच्छी तरह से पैक कर लिए, देखिए। चलिए गैस ऑन करके तकरीबन इसको 60 से 60 मिनट लगते हैं इसको मीडियम आंच पे पकाने से। चलिए गैस ऑन कर दे रही मैं, चलिए इसको रख ली मैं, देख सकते हैं अच्छी तरह से चारों तरफ से पूरा अच्छा बंद हो गया, ज़रा भी भाप नहीं निकलती इसकी। चलिए मैं 50 मिनट्स के बाद फिर बताऊँगी आपको, जब तक ये माशाल्लाह से अच्छी तरह से रेडी है। चलिए इसको निकाल के अपन फिर बताऊँगी मैं नेक्स्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह ये पूरा निकालेंगे अपन, माशाल्लाह
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह ये निकालेंगे, देखिए ऐसा आसानी से निकल जाते खुद पूरे। ऐसे टमाटरों के निकाल लेंगे, इसको ऐसा मैश कर देंगे टमाटर को। बहुत जबरदस्त दिखने में ही बहुत जबरदस्त दिख रहा। क्या गोश्त गला है, उफो देखिए देखिए बहुत अच्छा गला गोश्त, आप देख सकते हैं। चलिए इसको एक प्लेट में निकाल के बताऊंगी मैं। अपन तेल ज़रा भी निताले, देखिए तेल भी अच्छी तरह से आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसको रोटी के साथ ज़रूर इंजॉय करिए। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ। आलू को भी अपन अलग निकाल लेंगे, छिलकों के साथ डाले थे, अलग गल गए। देखिए आलू देखिए कितने अच्छे गले, बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ। आप वैसे भी खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, जिसके साथ भी आप दिल भर आप तेज इंजॉय कर सकते हैं, फंक्शंस में भी रख सकते हैं। बहुत मज़े का बहुत अच्छा बन के रेडी होता दम पुख्त। ये ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। जब तक कि अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी। दुआ में याद रखिए, शबा खैर।